Let's start. Yes. Good. Again, first puff का back coming किया है अभी. Second, straight back coming. हार्ड स्प्रे करते जाना है साथ में साथ में. सेक्शन को नीचे लेंगे. सी द हाइट, जितनी हाइट हमें चाहिए हम उतना हाइट रख के बाकी का डाउन कर देंगे. ये ओपन का वेरिएशन है तो बहुत ज्यादा हाइट नहीं रखेंगे. अभी आगे से एक फिनिशिंग लेयर लेंगे. जब भी पुलिंग टेक्निक करनी है पफ में तो ये मेरा बैक कॉमिंग का बेस हो गया. इस पे हम पहले इसको लॉक कर देंगे और फिर एक सेक्शन लेंगे आगे से फ्रंट से जिससे हम पुलिंग टेक्निक करेंगे. देखो पफ एक रेडी है. अभी इसको हम लॉक करेंगे यहाँ पे बॉबी पिन से. ऐसे भी आप पुलिंग टेक्निक कर सकते हैं जब भी बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग हार्ड है. ये इस पे पुलिंग नहीं करना है हमें. इसको मैंने लॉक कर दिया. अच्छे से इसको लॉक कर दो. अभी जो फ्रंट सेक्शन है वहां से एक एक सेक्शन लेंगे पीछे की साइड. वन सेक्शन यहाँ से एक सेक्शन लिया इसके ऊपर रखेंगे. ठीक है, बैक कॉमिंग, हल्का बैक कॉमिंग, रूट बैक कॉमिंग से इसको इसके ऊपर अच्छे से लेना है. दूसरी साइड से भी वैसे ही सेम पार्टीशन. दूसरी साइड से भी लेंगे, यहाँ से भी सेम इतना ही. जस्ट बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं करने की. जब फिनिशिंग लेयर लेते हैं तो एकदम हल्का बैक कॉमिंग. ये दोनों पार्ट हमारे पीछे आ गए. अभी ये दोनों पार्ट को क्या करेंगे, यू पिन लगा देंगे तो हमारी पुलिंग होगी ना. अदरवाइज हम पुलिंग कैसे करेंगे इस पे. तो जितना पफ का पार्ट है उतना ही लेने का आगे से भी. यहाँ पे पकड़ के नीचे जो बेस है हमारा पिन का उसकी उसी के ऊपर इसको होल्ड रखने का हुआ. अभी इस पे हम पुलिंग टेक्निक, ये पफ पे पुलिंग टेक्निक हो गई. कैसे करनी है ये आप अगर मेरमेड स्टाइल कर रहे हो तो ये पार्ट को प्लेन भी ले सकते हो या पुलिंग टेक्निक भी कर सकते हो. यहाँ से सॉफ्ट पुलिंग करनी है तो ये हमारी सॉफ्ट पुलिंग होगी. वन टू थ्री, ये हमारी सॉफ्ट पुलिंग हो गई. यही हमको हार्ड पुलिंग करनी है. इसको और थोड़ा डीप लेंगे और यू पिन करेंगे. सेवन नंबर की यू पिन यूज कर रही हूँ मैं. देखो मिडल में से ही पुल करो ताकि दोनों साइड से पुल हो जाए अच्छे से. दिख रहा है गैपिंग भी मेरा इक्वल गैपिंग है और पुलिंग भी बहुत ज्यादा डीप पुल नहीं है. ये पफ के ऊपर है तो नॉर्मल पुल रखने का, बहुत ज्यादा पुल नहीं करने का. अभी इसको भी हार्ड स्प्रे कैसे करेंगे. अभी ये हमारी स्ट्रेट है ना, डायरेक्शन है ना कुछ है तो हम इसको भी सीधा सीधा ही स्प्रे करेंगे. स्ट्रेट स्प्रे ये भी
बहुत ज्यादा अगर नहीं चाहिए, 2-3 चाहिए या 4 ही चाहिए, तो गैपिंग इतना रखो, 1, 2, 3, 4, 5 बस। अगर नजदीक नजदीक चाहिए तो थोड़ा डीप करो, मतलब कहने का मतलब है कि गैपिंग सारे पुलिंग में एक जैसी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं इतने पार्ट में एक ही कर रही हूँ तो उतने पार्ट में दूसरा इतना ही होना चाहिए, गैप इक्वल होना चाहिए। ये जो इसके बीच का 1-1 फिंगर का मेरा गैप है, अब 2 फिंगर का गैप भी कर सकते हो, 1 फिंगर का गैप भी मैं कर सकती हूँ। यहाँ से वापस से देखो, सिर्फ मैं यहाँ से ले रही हूँ और यहाँ पे पुल कर रही हूँ। नहीं कर बाबू, नहीं नहीं मत कर। जितना हम पुल करते हैं ना, ट्राई करो कि सिर्फ पुलिंग लाइन पे ही जाए, तो ये हमारा ओपन रहता है, उसको ऐसे दबाओ तो सिर्फ उतना पुलिंग लाइन में ही वो अंदर जाएगा, नहीं तो कैसे बीच का जो अंदर का जो बैक कॉमिंग किया है वो भी ऐसे ये हो जाएगा। तो हार्ड स्प्रे करेंगे तो वो गैपिंग दिख के आएगी है हार्ड स्प्रे की। यहाँ से मैंने पुल किया, इसको ऊपर लिया, ये देखो ये मैंने इतना ओपन है मेरा यूपी, तो या तो ऊपर से दबा के कम करो या अगर इसको होता है तो इसको प्रेस कर दो, जितना मेरा ये पुल है उसी के अंदर मैंने डाला है सिर्फ, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओपन करके डालोगे तो क्या होगा, देखो इसमें मेरा नीचे गैप आ गया, वो भी साथ में हार्ड स्प्रे करेंगे तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। तो ट्राई कि ये जितना है बस उतना ही आप डालो। ठीक है, यहाँ पे भी हार्ड स्प्रे कर देंगे। अभी फ्रंट से बैक की तरफ मूव करते हैं वेरिएशन के लिए। साइड पार्टीशन आप मिडल में भी ले सकते हो, साइड पार्टीशन दिखा रही हूँ। यहाँ पे स्प्रेडिंग टेक्निक यूज करने वाले, आप जो टेक्निक यूज करते हो ना मेरमेड में ओपन के लिए, वो ट्राई करो कि आगे भी वही हो, ऐसा ना हो कि हम पीछे ट्विस्ट कर रहे हो और आगे स्प्रेडिंग टेक्निक है। स्प्रेडिंग है तो स्प्रेडिंग ही रखो। टर्न किया, अभी ऐसे बैठेंगे नहीं है तो उसको बैक कॉमिंग कर दो। देखो बैठ गए, पहले कैसे गिर रहे थे अलग होके, जैसे ही बैक कॉमिंग किया हेयर में मर्ज हो गए एक दूसरे में, लॉक हो गए, और फिर इसको स्प्रेड करेंगे लाइक दिस नीचे की तरफ, ये पार्ट स्ट्रेट नीचे की तरफ मैंने इसको स्प्रेड किया। यहां से देखो ध्यान से, यहां से मैं इसको टर्न कर रही हूं, फर्स्ट टर्न यू पिन नहीं ले रही हूं, बॉबी पिन से ऐसे डाउन, और इसको कर पिन भी नहीं दिखेगी और लॉक भी हो गया। वापस से दिखा रही हूं, सेकेंड पार्ट ले रहे, पहले जहां से आपको लेना है पहले शाइन स्प्रे करो हेयर को अच्छे से, बिकॉज हम स्प्रेडिंग कर रहे हैं। अभी मुझे इसको यहाँ पे लॉक करना है, तो पहले मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी, ये पार्ट स्ट्रेट रहना चाहिए, फिर यहाँ से हम इसको टर्न करेंगे। अभी डायरेक्टली मैं यूपिन सॉरी बॉबी पिन लगाऊंगी तो दिख के आएगी, तो हम इसको क्या करेंगे, एक टर्न ले लेंगे, टर्न लेंगे
स्प्रेड करो, ये नीचे की साइड से इसको पिन करो और फिर स्प्रेड करो। नहीं दिख रही है ना, ट्विस्ट करो और फिर नीचे की साइड से उसको पिन करो तो दिखे नहीं है। अभी इसमें आप सॉफ्ट पुलिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक ही पिन लॉक की है ना तो सॉफ्ट पुलिंग हो जाएगी, या सिंपल रखना है तो आप सिंपल भी रख सकते हो। अगर हाथ से नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास यू पिन, दो तीन यू पिन लो, बालों को अलग कर लो, 1, 2, 3, 4 और थोड़ा थोड़ा पुल कर दो। देखो खुद से पुलिंग भी हो गया विदाउट एनी शार्पनेस या पुलिंग, सिर्फ मैंने 4 यूपिन का डायरेक्शन चेंज किया, नीचे ऊपर ऊपर बीच में, और थोड़ा थोड़ा उसको बाहर खींच लिया और इस पर हाथ स्प्रे कर दो तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पुलिंग टेक्निक हो गई। अभी एक ये साइड से लिया है, अभी ये साइड से कंप्लीट करेंगे, यहां से इसको भी सेम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेम वैसे ही करना है। फर्स्ट नीचे की साइड में स्प्रेड किया, सिर्फ इसको क्या करना है आपको ऐसे ही पिन डालोगे, इससे बेटर थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो, 1 ट्विस्ट किया, हाथ को छोड़ना नहीं, क्रिया और फिर इसको थोड़ा सा खोल दो। दिस इज द टेक्निक अगर आपको बॉबी पिन से भी स्प्रेडिंग को लॉक करना है तो। अगेन सेकेंड पार्ट ले रही हूं, अच्छे से स्प्रेड करो ये पार्ट को स्ट्रेट। अगर देखो अगर आपने यूपिन भी किया रहेगा ना या बॉबी पिन ऊपर से भी आया रहेगा तो इसके ऊपर ले लो ताकि वो हाइड हो जाए, फिर यहां से स्प्रेड करो अगेन, यहाँ पे मैं ट्विस्ट ले रही हूँ, ट्विस्ट लेके पिन, ठीक है नहीं दिख रही है ना बॉबी पिन। नाउ सिंपल पार्ट करना है हमें तो यही हम कंटिन्यू करेंगे। अभी पार्टीशन कैसे, यहां से स्टार्ट करेंगे लेने का, आगे से ही, यहां से ऐसे नहीं जाना है, आगे से पीछे, बट पार्टीशन इतने बड़े बड़े लेंगे तो बीच में ही खत्म हो जाएंगे, तो पार्टीशन हमें छोटे छोटे पार्टीशन में काम करना है, इतने इतने, यहां से लिया ऐसे स्प्रेड करो। नाउ द बेस्ट टेक्निक आपकी बॉबी पिन है, इसमें डालो, ठीक है, और इसको अंदर की साइड में टर्न करके आपके बेस के ऊपर डालो। अभी ये ऊपर उठ रहा है तो आप इसको यू पिन से ऐसे नीचे सेट कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन हमने जैसे यहाँ पे यू, अगर ये प्लेन नहीं रखना है लाइंस लाइंस में दिखाना है तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऐसे 1, 2 एंड 3। बाबू आवाज बंद, देखो लाइन भी हो गई ऑटोमेटिकली, वो डाउन भी हो गया, आपका वेरिएशन भी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। उसके ऊपर हार्ड स्प्रे करते जाओ, फर्स्ट ये मैंने मिडल मिडल में लिया है, आपको एक मिडल से ये साइड दूसरा यहां तक ऐसे लेना है, अभी हम लेंगे वो यहां तक लेंगे दूसरा पार्टीशन, एक ये साइड से लेते जाना है एक ये साइड से। ये बहुत इजी है ट्रेडिशनल या कोई भी फंक्शन, लाइक हल्दी फंक्शन है, एनी फंक्शन, ट्रेडिशनल ब्राइड है तो भी आप मेरमेड स्टाइल दे सकते हो। यहाँ पे पकड़ो
ये पार्ट को स्ट्रेट, ऊपर का पार्ट स्ट्रेट स्प्रेड करो यहां तक आपको, दूसरे के मिडल तक, ताकि वो पिनिंग छूट जाए अगर आपको करना है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है पता है आपके पास, अगर आपको ट्विस्टिंग नहीं जम रहा है तो स्ट्रेट यहां तक है ना, ये मेरा मिडल पोर्शन है, मिडल से थोड़ा आगे जो बेस है हमारा इसके अंदर इसको पिन कर दो, क्रॉस पिन करना पड़ेगा नहीं तो निकल जाएगा, या एक यू पिन करो और उसके ऊपर बॉबी पिन। अभी ये मेरा हाफ तक आ गया, ये मैंने दो आपको बॉबी पिन से सिखाया, अभी मैं सिखा रही हूँ आपको यू पिन। ये मेरी यू पिन है, ये वाला पार्ट को ऊपर उठाना है, इसके नीचे एग्जैक्ट इसके नीचे होना चाहिए, नहीं तो पिन दिखेगी नीचे करोगे। अभी ये यू पिन से तो होल्ड नहीं होने वाला है, तो साथ में हमें इसके ऊपर बॉबी पिन कर दो ताकि ये पार्ट लॉक हो जाए। सी अगेन यहां से लेंगे, एक-एक पार्ट में शाइन स्प्रे करो, कोम करो अच्छे से, स्प्रेडिंग ये वाला पार्ट को थोड़ा सा ऊपर लेंगे यहाँ पे पकड़ के, यहाँ पे बस यही आपको नीचे तक कंटिन्यूएशन लेना है। तो उसके लिए हेयर जो वॉल्यूम लेते हो, लेंथ लेते हो, एकदम कम कम लेना है। अभी ये बैबिंग के बीच में गैप आ रहा है, वहां पे आप आपके एक्सेसरीज या बटरफ्लाई जैसे एक्सेसरीज आती है वो अप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ पे इसके पहले मैंने जो वेरिएशन सिखाया है, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग भी कर सकते हो। पूरा नीचे तक का, जितने लंबे बाल रहेंगे उतना नीचे तक आपको इसका वेरिएशन लेना है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ओपन में और भी दो तीन वेरिएशन है। ऐसे ही फुल नीचे तक आपको क्रिएट करना है। एंड में अगर बहुत बड़ा आपका ओपन किया हुआ डोनेट है तो उसको नीचे से फोल्ड कर दो ऊपर। अभी ये लास्ट पार्ट मेरा बचा है, उसको भी मैं यही डायरेक्शन में मोल्ड कर दूंगी एंड के लिए। ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना है, इसको भी ऐसे ही टर्निंग में ही आपको पैक करना है।
ये ऐसे बटरफ्लाई है, तो ऐसे बीच बीच में हम बटरफ्लाई अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो गैपिंग है वो हमारा ये कवर कर ले, बहुत ज्यादा भी नहीं। गैपिंग गैपिंग में हम बटरफ्लाई को यूज करेंगे। यहाँ पे अगर आपको फुल वेनी लगानी है तो वो वेनी अप्लाई कर सकते हो। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हाइड करना है, तो ऐसे ये लगा सकते हो। एकदम फटाफट हो जाएगा रियल में क्लाइंट पे करने के वक्त, और अच्छा भी दिखेगा। ये मैंने प्लेन पार्ट लिया है, मैंने आइडिया दी है आपको कि इसमें लाइन क्रिएशन ये ऐसे 1, 2 और 3 से डिवाइड कर दो, थोड़ा थोड़ा पुल कर दो। देखो लाइन हो गई, पुलिंग टेक्निक हो गई, और उस पर फिर हार्ड स्प्रे। आप लाइन में भी कर सकते हो और सिंपल्स में भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों भी इतने ही फास्ट में हो जाएगा आपका। फ्रंट से उषा समझ में आया? ठीक है, वेरिएशन पफ में पुलिंग टेक्निक, ट्विस्टिंग किया बंद में, स्प्रेडिंग टेक्निक किया। नाउ द फुल मेरमेट स्टाइल करेंगे, जो साइड से और बीच में वेरिएशन करेंगे हम। इसी में दूसरा वेरिएशन दिखाती हूँ। कोई डाउट है आपको? आपका मिडल वाला मेजरमेंट हो गया था ना? सेम पार्टीशन रहेंगे, सिर्फ पीछे का वेरिएशन हमारा चेंज होगा। यहां तक का प्रोसीजर एकदम सेम रहेगा। फ्रंट वेरिएशन आप अलग क्रिएट कर सकते हो, और मैं फ्रंट एक अलग दिखा रही हूँ, साइड से जो पार्टीशन करना है, बैक कॉमिंग करके बेस बनाना है, एज इट इज रहेगा, सिर्फ पीछे से वेरिएशन चेंज होगा। यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स पार्टिंग, और 1 ट्विस्ट, स्प्रेड करेंगे नीचे की साइड, और यहां पे ट्विस्ट करेंगे, और यहां पे भी
नीचे ऊपर दोनों स्प्रेडिंग, मैंने ऊपर ट्विस्ट किया है और फिर ऊपर की तरफ स्प्रेड किया है। नीचे भी स्प्रेड करेंगे तो ये पार्ट को यहाँ पे हाई लेना है, तो यहाँ पे आप ऊपर ऐसे ऊपर लेके यहाँ पे डाउन अप एंड डाउन, यहाँ पे ट्विस्टिंग ऊपर की साइड में वन ट्विस्ट एंड स्टैंडिंग। अगेन नेक्स्ट पार्टीशन, जो यहाँ पे अप हुआ है वहीं पे हम नीचे डाउन करेंगे और इसके बाजू में ही एग्जैक्ट लॉक होना चाहिए। तो एग्जैक्ट यहाँ पे पकड़ो, ये पोर्शन स्ट्रेट, यहाँ पे डाउन, डाउन होके पहले हम इसको यहाँ पे यू पिन से होल्ड करेंगे, एक इसको ऊपर की साइड ट्विस्ट करना है और ऊपर की साइड में स्प्रेड करो। स्टैंडिंग स्टैंडिंग, सी फर्स्ट पार्ट सिंपल ट्विस्टिंग स्ट्रेट ट्विस्टिंग अगेन, थर्ड पार्टीशन, ऐसे करके हम पूरा पीछे तक, ये आप नॉर्मल बर्न करते हो ना, सिंपल पीछे बर्न करो और आगे ये वेरिएशन दो, ओपन लुक में करो, आगे ये वेरिएशन, पीछे थोड़ा सा पफ, नीचे कर्ल्स वगैरह एक्सटेंशन अटैच करो, तो भी आप ये वेरिएशन दे सकते हो वहां पे। तो ये वेरिएशन आप कहीं पे भी फ्रंट का पार्ट यूज कर सकते हो। नहीं, आप इतना अच्छे से बताते हो कि डाउट नहीं रहा, थैंक यू। चल ये वेरिएशन सीखते हैं यहाँ पे, ना छोड़ी ना छोड़ी ना छोड़ी ना, यहाँ पे सेकेंड पार्ट लेंगे। अगेन हमारा होल्डिंग इसके एग्जैक्ट बाजू में बने उतना पार्ट स्ट्रेट यहाँ पे, फिर नीचे की तरफ स्प्रेड, यू पिन से डाउनवर्ड और इसको फिर ऊपर की साइड में ट्विस्ट करो और ऊपर की साइड में स्प्रेड, ट्विस्ट करने के बाद स्प्रेड करो ऊपर की साइड, वन टू, सी अगेन लॉक विथ हार्ड स्प्रे, अगर आपके पास अगर अलग अलग नहीं करना है ना सेपरेशन, तो यूज योर 9 नंबर यू पिन, बड़ी वाली यू पिन यूज करो जिससे इसमें हाँ कोई गैपिंग ना है, लाइंस क्रिएशन नहीं चाहिए, प्लेन पार्ट चाहिए, तो बड़ी वाली यू पिन यूज करो, सी एक साथ पूरा पार्ट हो जाएगा हाइट। अगेन बस
इतना ही ले रही हूँ, फिर हम वेरिएशन की तरफ जाते हैं। नाउ द पार्ट वेरिएशन, यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ पे मैं इसको बॉबिन से लॉक कर दे रही हूँ। सी द फ्रंट वेरिएशन, टर्निंग टर्निंग, ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग एंड ट्विस्टिंग। या पूरा अगर राउंड बन है तो राउंड बन पे यहां तक और यहां से भी यहां तक फुल राउंड में आप ये वेरिएशन ले सकते हो। अभी मेरमेड स्टाइल स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट अगेन। अभी मेरमेड स्टाइल करते हैं। मेरमेड स्टाइल में जो अभी हमने किया था 1 2 3 4 5 हमने बीच तक लेके आए थे, तो अभी का जो है सेक्शन वो मिडल में नहीं लाके सिर्फ साइड साइड में, तो यहाँ पे जो साइड के पोर्शन के हेयर है उसको अलग करके ये मिडल के जो पोर्शन के बाल है उस पे हम बहुत सारे वेरिएशन करने वाले हैं, तो इसको हम ऊपर टाई कर देंगे तब तक। यहां से इसके ऊपर बेस के ऊपर हम इसको लगाएंगे। यहाँ पे यहाँ सब लेके आना है, स्प्रेड करो, टर्न। अभी इसमें भी आपको सिंपल रखना है तो ऐसे सिंपल, या इसमें भी लाइंस पुल करना है तो ऐसे पुलिंग करो, 3 पुलिंग। यूपिन से करना है तो आप यूपिन ऐसे डाल सकते हो डायरेक्टली, और उसके ऊपर फिर बॉबी पिन, या डायरेक्टली बॉबी पिन भी कर सकते हैं। हार्ट स्प्रे वैसे ही सब पूरा डायरेक्शन डाउन 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 लेके जाएंगे वापस से। अराउंड 4 to 5 पार्ट में हम इसको डिवाइड करना है और इतना वेरिएशन नीचे जाना चाहिए। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मिडल में ही आपको इसको लॉक करना है, साइड में नहीं करना है। यहाँ पे ट्विस्ट किया, पुल पुल पुल, बॉबी पिन लिया, यहाँ पे बॉबी पिन डालो और इसको बेस के ऊपर पिन कर दो। अगेन द नेक्स्ट पार्ट, अगेन
स्प्रेड करो, ये पार्ट स्ट्रेट और ये यहाँ से राउंड आना चाहिए, अच्छे से स्प्रेड करो। स्मॉल साइज की बॉबी पिन को यूज करो। पहले यहाँ से इसको मैं टर्न कर रही हूँ, टर्न किया इसके अंदर, पहले इसको बॉबी पिन लगा दो और फिर इसके ऊपर लाइंस क्रिएशन करना है। इजी है, यू पिन डालो तीन अलग अलग डायरेक्शन। एक बार वापस से मैं दिखा देती हूँ कैसे करोगे। डायरेक्शन कैसे देना है ये देखो, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थोड़ा थोड़ा पुल कर लो। हो गया आपका पुलिंग टेक्निक सी, और उस पे हार्ड स्प्रे कर दो। अगर यही चीज को आपको पुल नहीं करना है तो आपकी 9 नंबर की यू पिन को आप यूज करके इसको सिंपली नीचे रखना है, तो भी आप इसको हार्ड स्प्रे करो। ऐसे बाउंस रखना है तो नहीं करो, अच्छे से इसको स्प्रेड करके ऐसे ही रहने दो। हाँ, अगेन नेक्स्ट स्प्रेड करो, ट्विस्ट टोटल 5 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। हेयर के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, 5 मैक्सिमम 5 होंगे ही आपके। जैसे हमने यहाँ पे 5 पार्ट किया है, सेम यहाँ पे भी हम वैसे ही 5 पार्ट में करेंगे। सारे इसमें मैंने एक साथ शाइन स्प्रे कर दिया। अगेन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको ट्विस्ट करके नहीं जमता है तो यहाँ पे ऐसे पिन को डालो, टर्न करो पिन को और ऐसे डालो। एकदम सिंपल, क्विक, इजी, एकदम छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं। अच्छे से कोम करो यहाँ पे, ऐसे स्प्रेड किया, स्ट्रेट में ही आप आपकी बॉबी पिन लगा दो, ऐसे जस्ट अंदर की साइड में उसको टर्न करो और बेस के ऊपर पिन को अटैच कर दो। डायरेक्शन दोनों का सेम आना चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे पिन लगाते हैं वो सेम पिनिंग होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? ये क्लियर, छोड़ दो मोबाइल को।
अंदर की साइड ट्विस्ट एंड अप्लाई। अभी ये हमने जो ऊपर से हेयर रखे थे उसको छोड़ेंगे बीच में, तो जो बीच की हमारी पिनिंग हुई है वो कुछ भी दिखाई नहीं देगी। साइड साइड का पार्टीशन और अभी मिडल का वेरिएशन करेंगे। मिडल के वेरिएशन में आप यहाँ पे 1 2 3 फ्लावर क्रिएट कर सकते हो या स्टैंडिंग लाइन में फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हो। स्टैंडिंग लाइन में फ्लावर क्रिएट करने के लिए डाउन टू अप आना है आपको। पहले यहाँ पे जहाँ पे आपको स्टार्ट करना है नीचे से ये पार्टीशन को यहाँ तक लॉक करो और फिर यहाँ पे फ्लावर बनाओ। हम ऊपर फ्लावर का टेक्निक सीखेंगे आज और नीचे एक वेरिएशन करेंगे। दो फ्लावर क्रिएट करेंगे ऊपर, आप तीन भी कर सकते हो, तो तीन पार्ट में हेयर को डिवाइड करो। दो करना है, तीन करते हैं तो आपको आइडिया आएगी कि तीन में कैसे लेना है। फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, हेयर पहले ही मैंने तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। साइड से स्टार्ट करेंगे। अभी जहां पे आपको पहले फ्लावर बनाना है पहले वो प्लेस डिसाइड करो, यहाँ पे क्रिएट करना है तो इसमें यू पिन लो, यहाँ पे होल्ड करो बालों को, यहाँ पे भी जैसे जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए जहां पे प्लेस करना है वहां तक बालों को पहले लेके जाओ। और ये मिडल वाला पार्ट पहले यहां से स्टार्ट करेंगे फ्लावर क्रिएशन। फ्लावर कैसे बनाते हैं वो सीखो। यहाँ पे यूज योर बिगर साइज सेक्शन पिन, स्प्रेड करो हेयर को अच्छे से। बैक कॉमिंग करनी है रूट में, अराउंड 2 to 3 फिंगर तक की बैक कॉमिंग चाहिए। ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग दो, दोनों साइड हार्ड स्प्रे प्रेस करो, फिंगर से ब्लो करो और देखो हार्ड हो गया ये पार्ट। नाउ रिमूव योर सेक्शन क्लिप। अभी लेफ्ट हैंड साइड की फिंगर को स्ट्रेट रखना है, पार्टीशन आपका ये स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट रख के ऐसे टर्न, यहाँ पे टर्निंग, यूज योर बॉबी पिन आपके प्लेसमेंट को फिक्स करने के लिए। नीचे से बेस के साथ में इसको बॉबी पिन करो, देन जो सेक्शन पिन थी उससे इसको होल्ड करके रखो और यू पिन से इतने पार्ट को फिक्स करो। हार्ड स्प्रे लो अगेन, इस पे फिक्स करो। यहाँ पे टर्न हुआ वैसे ही यहाँ पे स्प्रेड करो। स्प्रेड करोगे तो जहां जहां पे स्प्रेडिंग हो रही है होल्ड करने के लिए यू पिन लो, होल्ड करो, यू पिन से होल्ड करो। प्रिया ये बन गया हमारा फ्लावर।
समझ में आया फ्लावर क्रिएशन? नाउ द मिडल पार्ट, सेम वे वापस से दिखा रही हूँ फ्लावर क्रिएशन। सेक्शन क्लिप रखनी है ताकि बाल अच्छे से ये स्प्रेड कर सके। हम स्प्रेड होगी तो फिर नीचे से बैक कॉमिंग करो अराउंड 2 to 3 finger, बस इतनी ही बैक कॉमिंग करनी है। ऑपोजिट बैक कॉमिंग ऐसे, फिर ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग दो। फिनिशिंग के बाद दोनों साइड में हार्ट स्प्रे, जितना पार्ट आपने बैक कॉमिंग किया है बस उतने ही पार्ट को हार्ट स्प्रे और ब्लो करो। ब्लो किया, जस्ट रिमूव अगेन। सेम बॉबी पिन साथ में रखनी है, स्मॉल साइज बॉबी पिन। यूज योर लेफ्ट हैंड फिंगर, टर्न टर्न रखोगे और ये पार्ट को स्ट्रेट रखना है और यहां से ऐसे और ऐसे। जैसे ही टर्न आएगा प्लेस कहां पे आपको प्लेस करना है नीचे से इसको लॉक कर दो। यहाँ पे लॉक किया, यूज योर सेक्शन क्लिप, छोड़ना नहीं है जब तक ये आपने सेक्शन को अच्छे से सारे जगह से यूपिन और बॉबी पिन से लॉक ना किया हो तब तक। हार्ट स्प्रे ये जो पार्ट है वो एकदम छोटा रखना है, स्प्रेड नहीं करना है ज्यादा, टाइट करो फिर टर्न करो। यहां से ऊपर लेके जाओ हेयर को और यहाँ पे स्प्रेड नेस आएगी। स्प्रेड करने के लिए डायरेक्शन यू पिन का डाउन, स्प्रेड करो सेकेंड फ्लावर। फ्लावर थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे, डोंट वरी, एक बार प्रैक्टिस करना, आज सिर्फ फ्लावर का एक प्रैक्टिस करना, डिफिकल्ट नहीं होगा, ट्राई करोगे तो आ जाएगा। वापस से थोड़ा अच्छे से दिखा रही हूं। देखो पहले मैंने सेक्शन को क्लियर किया करेक्ट, फिर हमने बिग साइज की सेक्शन क्लिप ली यहाँ पे डाली, इसको हम स्प्रेड करेंगे अच्छे से ताकि हेयर में वॉल्यूम मिले। फिर यहाँ से 2 to 3 finger ऑपोजिट बैक कॉमिंग करनी है, ये फ्लावर बहुत काम आएगा। ऊपर से फिनिशिंग दो हार्ट स्प्रे, जहाँ तक आपने सिर्फ बैक कॉमिंग की है वहां तक हार्ट स्प्रे, फिंगर से उसको प्रेस कर दो और ब्लो करो तो तुरंत के तुरंत आपका हार्ट स्प्रे सूख जाएगा। सी देखो कैसे हार्ड कड़क हो गया ना ये, फिर इसको रिमूव करो। अभी ध्यान से देखना, अभी मैं क्या कर रही हूं, हमारी फिंगर लेफ्ट हैंड फिंगर को मैं इससे स्ट्रेट रखना है ना हमें ये पार्ट को यहां से, तो यहां से इसको लेके सिर्फ इसको ऐसे टर्न करना है, यहाँ पे मुझे इसको प्लेस करना है। तो ये बॉबी पिन छोटी वाली यूज कर रही हूँ, इस थोड़ा सा फ्लावर का पार्ट और बेस के पार्ट में उसको अटैच कर रही हूँ। फिर सेक्शन क्लिप छोटी या बड़ी जो भी है इसको यहाँ पे पकड़ के रखो और एक
आगे की तरफ यू पिन को लगाओ, बस ये आपका मेन पार्ट हो गया। तो आपका आधा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इतना टर्न हो गया, इसको वापस से हार्ड स्प्रे से अच्छे से लॉक करो। फिर नेक्स्ट पार्ट टर्न, ऐसे नीचे से ऊपर टर्न। अगर आपको स्प्रेडिंग पहले नहीं जमता है तो क्या करो, पहले यहाँ पे डायरेक्शन के लिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे से दो जगह पे यू पिन डालो और फिर उसको बालों को खींच लो ऐसे। सी मैंने पूरे बालों को उसको ऐसे स्प्रेड कर दिया, इसको भी हार्ड स्प्रे कर दो। बस एक ही राउंड करना है और बाकी के बालों को मैंने इनविजिबल लिया अंदर बेस में ही उसको पिन कर दिया, और जो बचे हुए बाल हैं इसके नीचे ही इसको राउंड कर दो। दैट्स इट। देखो तीनों भी फ्लावर हमारे रेडी है। आई होप अभी समझ में आया होगा कि कैसे करना है। एक बार प्रैक्टिस करना, फिर भी नहीं समझे तो वापस से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी नीचे का पार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आपको फ्लावर नहीं करना है तो सीधा सीधा आर्टिफिशियल वेनी है आपके पास तो वो अटैच कर दो, फ्लावर क्रिएशन स्किप कर दो। मैं जस्ट ऑप्शन के इसमें मैंने आपको सिखाया कि फ्लावर क्रिएशन कैसे करना है। नाउ यहाँ पे पूरे बालों को, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शाइन स्प्रे किया इसको अच्छे से। ये पार्ट को हम रबर बैंड कर देंगे। अभी इसको हम स्प्रेड कर देंगे, दोनों साइड से स्प्रेड करो। स्प्रेडिंग एक बार अच्छे से आपकी स्प्रेडिंग हो गई, फिर आप इसमें लाइंस क्रिएशन दे सकते हो। 1, 2, 3 थोड़ा थोड़ा ऊपर पुल कर लो। सी द वेरिएशन, हार्ड स्प्रे और उसको प्रेस कर दो। मैंने डायरेक्शन दिया है यू पिन ऐसे ऐसे, जो डायरेक्शन में मुझे हेयर को मोल्ड करना है वहां पे उसको टर्न कर दिया है। अगेन यहाँ पे आप फ्लावर क्रिएट कर सकते हो या फिर एनी एक्सेसरी प्लेस करनी है तो फ्लावर को स्किप कर सकते हो। वापस से ये सारे बालों को मैं एक साथ ले रही हूं। अभी शाइन स्प्रे करेंगे ताकि जो भी पुलिंग करे ना वो अच्छे से, आपकी पुलिंग टेक्निक अच्छे से हो।
यहाँ से मिडल से पकड़ के यहाँ से स्प्रेड करो, यहाँ से अगेन सेम वे डायरेक्शन यू पिन डालो, यू पिन के बाद थोड़ा थोड़ा उसको पुल करो, ये बालों को कर्ल्स कर देना है स्मॉल साइज के कर्ल मशीन से। अब इसको कर्ल कर दो एक 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 को सबको। एक्सेसरी प्लेसमेंट भी अच्छे से जो भी आपके पास है उसको अच्छे से लगाओ।